दोस्तों, आपने हॉन्टेड फॉरेस्ट के पार्ट टू में देखा था कि जो छोटा बच्चा जंगल का कहानी सुन रहा होता है वो बड़ा होकर जंगल में रहने वाली चुड़ैल को मारने का फैसला करता है और उसके बाद अनुराग पहाड़ के पास मौजूद तांत्रिक से मंत्र लेकर उस जंगल में जाता है और उस जंगल में रहने वाली चुड़ैल का खंडर को जला देता है और उस जंगल से भाग रहा होता है। तभी जंगल में रहने वाली चुड़ैल अनुराग को देख लेती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हॉन्टेड फॉरेस्ट का पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगा। अब आगे, जैसे ही चुड़ैल अनुराग को देख लेती है तभी चुड़ैल अनुराग के ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद अनुराग उस तांत्रिक का दिया हुआ मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है। जंगल में रहने वाली चुड़ैल मंत्र सुनकर अनुराग से दूर भागने लगती है और ऐसे करके अनुराग उस जंगल से जिंदा वापस लौटता है और अपने गांव पर आ जाता है। गांव में आने के बाद सारे गांव वालों को इकट्ठा करके सारे गांव वालों को कहता है, आज से जंगल की तरफ जाने से कोई नहीं डरेगा क्योंकि जंगल में रहने वाली चुड़ैल के खंडर को मैंने जला दिया है। और मैंने जब उस खंडर को जलाया तो उस समय उस खंडर में वो बक्सा भी था जिस बक्से के अंदर वो चुड़ैल अपने मरे हुए बच्चे को रखी थी। अनुराग का बात सुनकर सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह था कि जो लोग जंगल की तरफ गए होते हैं वो वापस नहीं आते। इसके बाद सारे गांव वाले मिलकर अनुराग को गाली देने लगते हैं और सारे गांव वाले कहते हैं, तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है और तुम उस जंगल में जाकर जो लोग जंगल में गए हैं उनको जिंदा वापस लाओगे, नहीं तो गांव के बीचों बीच तुमको जिंदा जलाकर मार डालेंगे। अनुराग इस बात को लेकर बहुत डर जाता है। अनुराग को ये समझ ही नहीं आता कि वो अब आगे क्या करे। अनुराग पहाड़ में रहने वाले तांत्रिक से जाकर मिलता है और अपनी परेशानी के बारे में बताता है। पहाड़ में रहने वाला तांत्रिक अनुराग को कहता है, उस चुड़ैल की मौत तुम्हारे हाथों ही लिखी हुई है, लेकिन उसे सिर्फ एक प्रक्रिया से मारा जा सकता है। तभी अनुराग कहता है, कौन से प्रक्रिया से उस चुड़ैल को मार सकते हैं। तभी वो तांत्रिक कहता है, तुमको एक चर्च के फादर से मिलना है और उस चर्च के फादर को अपने परेशानी के बारे में बताकर उस चर्च के फादर से होली वाटर मांगना और उसके बाद उस चुड़ैल के खंडर में जाकर उस होली वाटर को उसके मरे हुए बच्चे के ऊपर छिड़क देना और उसके शरीर को जला देना, उसके बाद सारी परेशानियां खत्म हो जाएगा। तभी अनुराग कहता है, मैंने तो उसके सारे खंडर को जला दिया था। उसके बाद वो तांत्रिक कहता है, जब तुमने उस चुड़ैल के खंडर को जलाया उस समय उस खंडर में उसके मरे हुए बच्चे का शरीर नहीं था। उसके बाद अनुराग उस तांत्रिक से कहता है, अगर उसका शरीर उस खंडर में नहीं है तो फिर कहाँ है उसका शरीर। तभी वो तांत्रिक अपनी दृष्टि शक्ति से पता लगाता है कि उस बच्चे का शरीर कहाँ है और अनुराग को कहता है, उस चुड़ैल के बच्चे का शरीर उस खंडर के नीचे एक खुफिया कमरे में है। उसके बाद अनुराग एक चर्च के फादर से जाकर मिलता है और उस चर्च के फादर से होली वाटर लेकर जंगल की तरफ जाता है। उस जंगल में जाने के बाद वो उस चुड़ैल के खंडर में जाता है। वो खंडर पूरी तरह जल चुका होता है। उसके बाद अनुराग उस खंडर के अंदर जाता है। उस खंडर के अंदर एक शैतान का मूर्ति होता है। जब अनुराग उस मूर्ति के पास जाता है तो उस मूर्ति के सिर पर एक चाबी जैसा बना होता है। अनुराग जैसे ही उस चाबी को घुमाता है तो उस मूर्ति के पास एक दरवाजा खुलने लगता है। उसके बाद अनुराग वो दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद अनुराग देखता है कि जो लोग लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए होते हैं वो सारे लोग एक रस्सी से बंधे होते हैं और उनमें से दो लोगों का सिर नहीं होता है, यानी कि वो चुड़ैल दो लोगों की बलि चढ़ा चुकी होती है उस शैतान को और वहीं पर उसके बच्चे का भी शरीर होता है। उसके बाद अनुराग उसके बच्चे के शरीर के ऊपर होली वाटर छिड़क देता है और उस शरीर को जला देता है। तभी वो चुड़ैल वहां पर आ जाती है, लेकिन अनुराग और गांव वाले उस चुड़ैल से बचकर भाग जाते हैं और यहीं पर होता है ये कहानी खत्म। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।